नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रीवियस ईयर का होगा। आप किसी भी बीएड एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये रहेगा पार्ट नंबर 15। यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। सीवेट का 2016 से लेकर 2021 तक सभी का क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ जो कि उसका आंसर की आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिए है। आप प्लेलिस्ट का जो कि वीडियोज है उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस सेशन को शुरू करते हैं। ऑल यू नीड इज टू बिलीव योरसेल्फ। आप कुछ भी कर रहे हो, खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। बिलीफ सिस्टम जो कि इनर मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाइल आस्किंग ए प्रोबिंग क्वेश्चन इन ए क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्ट तो रेस्पॉन्स एडवर्सली। एक कक्षा में एक जांच प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन में है क्लियर इंटेंट, हैविंग नो प्रीवियस मटेरियल टू रेफर टू, यूज ऑफ डबल नेगेटिव्स, क्वेश्चन विद वन करेक्ट आंसर। ओके, तो प्रोबिंग क्वेश्चन का यहाँ पर मीन जो कि यहाँ पर आपका रहेगा ये उसी क्वेश्चन का जो कि आपका कुछ डीपर मीनिंग होगा, कुछ आप पूछ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर रहेगा ये क्लियर इंटेंट, स्पष्ट इरादा जो कि यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेंटली चैलेंज चाइल्ड, मानसिक रूप से विकलांग बच्चा। ऑप्शन में रहेगा कैन नॉट अटेंड मास्टरी इन टास्क एट ऑल, कैन अटेंड मास्टरी विथ अल्टरनेटिव सुइटेबल एनवायरमेंट एंड मेथड, कैन अटेंड बट would need more time, can attain mastery like any other child। okay, जो कि एक मेंटली चैलेंज चाइल्ड यहाँ पर क्या क्या कर सकता है इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा, कैन अटेन मास्टरी विद अल्टरनेटिव सुइटेबल एनवायरमेंट एंड मेथड्स। कुछ यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पर हम यूज करेंगे, उसको एनवायरमेंट देंगे, तो वो भी जो है मास्टरी को अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज टू, अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। किस लिए यहाँ पर यूज किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, किस लिए जो कि लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका जो है बी एड एंट्रेंस में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कि क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस लिए आता है, जो कि आप टीचिंग एरिया में आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप मतलब एलिजिबल हो कि नहीं टीचिंग के लिए। तो ये जो कि आपका इंडिविजुअल एबिलिटी को यहाँ पर आपका देखा जाता है कि उसी एरिया में ये बंदा कैसा है, तो यहाँ पर जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में जो कि है देख सकते हो, मेजर अचीवमेंट, मेजर प्रोफिशिएंसी, प्रेडिक्ट वंस सक्सेस इन ए प्रोफेशन, या मेजर पोटेंशियलिटी। ओके, यहाँ पर जो कि राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जो कि मेजर पोटेंशियलिटी। आपका पोटेंशियल क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, उसी फील्ड में यहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाता है, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट में यहाँ पर आपका आ जाएगा मेजर पोटेंशियलिटी। ओके, क्षमता को मापे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ नोट हैं। फर्स्ट हम जानते हैं टेस्ट क्या है। ए टेस्ट इज अ काइंड ऑफ असेसमेंट टू मेजर द नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड इन ए स्पेसिफिक फील्ड। ए टेस्ट इज यूज टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो टू नो द रिलायबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सम पीपुल पोजेसेस सर्टन स्पेसिफिक एबिलिटीज अदर देन इंटेलिजेंस विच हेल्प्स देम इन अचीविंग सक्सेस इन सम स्पेसिफिक फील्ड और एक्टिविटी। दिज सर्टन स्पेसिफिक एबिलिटीज आर नोन एज द एप्टीट्यूड ऑफ एन इन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज फॉर प्रिडिक्टिंग सक्सेस इन फ्यूचर लर्निंग एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस। एप्टीट्यूड मीन्स द स्पेशल एबिलिटी और कैपेसिटी बिसाइड द जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एक्वायर ए रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी इन ए स्पेसिफिक फील्ड। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आर लाइकली टू टेस्ट हाउ एन इंडिविजुअल विल परफॉर्म इन ए स्पेसिफिक एरिया
without proper guidance or training. These tests can be used to test the sensory or motor capabilities, aptitude in teaching, music, science, painting, mathematics, etc. This type of test properly anticipate the future potentialities or capacities of an individual, which helps us to select the best individual for a specialized activity. Question number 5. Communication in the classroom would be more effective if कक्षा में संचार अधिक प्रभावी होगा यदि. कम्युनिकेशन जो कि स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में होता है, ये ज़्यादा प्रभावित होगा कब? ऑप्शन में है, सेंडर यूजेस द सेम कोडिंग सिस्टम एज हिच और हर रिसीवर डिकोड्स, सेंडर प्रोसीड्स स्लोली बट सिस्टमेटिकली, रिसीवर इज विलिंग टू रिसीव या बींग डन इन कंजेनियल. ओके, तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी है, जो कि बींग डन इन कंजेनियल, एक अनुकूल वातावरण में किया जा रहा है तो. ओके, जो कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा तब यहाँ पर जो कि आपका कम्युनिकेशन जो कि मोर इफेक्टिव होगा. यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6. द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में है, मेकिंग स्टूडेंट्स एबल सो दैट दे कैन अर्न ए लिविंग, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, फैसिलिटेटिंग द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, फैसिलिटेटिंग ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के सर्वांगीण विकास की सुविधा. ये जो है एजुकेशन का जो कि सही उद्देश्य है. यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का कुछ पॉइंट है, डेवलपिंग द इनेट पोटेंशियलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, फैसिलिटेटिंग ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, सोशलाइजिंग एंड यूनिफाइंग पीपल इन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, फुलफिलिंग सोसाइटीज नीड्स पर्टेनिंग टू ह्यूमन रिसोर्स, हेल्पिंग इंडिविजुअल इन एक्वायरिंग क्वालिटी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, नेक्स्ट इंस्टिलिंग सब्जेक्ट नॉलेज इन द चिल्ड्रन, ट्रांसमिटिंग बिलीफ्स नॉर्म्स कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन. ये कुछ एम जो कि ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द जॉब ऑफ टीचर इज टू, शिक्षक का कार्य क्या है? हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ स्टडी, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, क्रिएट ए गुड एनवायरमेंट फॉर स्टडीज, टेल स्टूडेंट्स अबाउट द मिस्टेक्स कमिटेड बाय देम. ओके, तो यहाँ पर टीचर का जॉब क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिएट ए गुड एनवायरमेंट फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल बनाए. ये आपका जो कि है राइट आंसर रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो टीचर क्या है, द टीचर इज द पर्सन हु हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स, ए टीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान एंड एजुकेटिंग स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स. द जॉब ऑफ ए टीचर, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ए टीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग लेसन फॉर स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स, ए टीचर क्रिएट ए पॉजिटिव मोटिवेटिंग एंड गुड एनवायरमेंट फॉर स्टडीज, दे एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग एंड टेकिंग पार्ट इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एसेसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो इसको आप पढ़ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर्स टू हैव, टीचर्स के लिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन में रहेगा, कम्प्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कम्प्लीट नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड्स, नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स या ऑल ऑफ द अबव. ओके, तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव. कम्प्लीट नॉलेज भी होना चाहिए सब्जेक्ट का, टीचिंग मेथड्स का भी, और जो कि स्टूडेंट्स के बारे में भी जो है नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है एक टीचर जो है इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकता है. ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर व्यू द प्रोफेशन ऑफ ए टीचर इज, आपके विचार में एक शिक्षक का पैसा क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है? इस स्टॉप गैप अरेंजमेंट, प्रॉफिटेबल, फुल ऑफ फन एंड फ्रोलिक या द बेस्ट. ओके, तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी है, द बेस्ट.
सबसे अच्छा प्रोफेशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, माल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रेन इज, बच्चों में कुसमायन है। ऑप्शन में रहेगा ए रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ए रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अनदर नेम ऑफ फ्रस्ट्रेशन या नन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर है ये ए रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो सब कुछ आज का सेशन में। इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हो द्रोणाचार्य एजुकेशन, हमारे चैनल का लोगो आएगा, उसी चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।